भारत में एक ऐसा आइलैंड है यहाँ ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई सुविधा। यहाँ पर रहने वाली जनजाति के लोगों को बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आलम यह है कि अगर कोई इस आइलैंड पर भूले भटके से चला भी गया तो ये लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ पर हालात इतने खराब हैं कि यहाँ जाने की तो छोड़ो, इस जगह का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने इस आइलैंड पर किसी का भी जाना बैन कर रखा है। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो देखने में बेहद ही खूबसूरत हैं, लेकिन उनमें से कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनकी हकीकत जानने के बाद आप वहां जाने का नाम नहीं लेंगे। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस आइलैंड को मौत का आइलैंड भी कहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर बेहद ही रहस्यमयी जनजाति रहती है। इन लोगों ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और दुनिया से इनका संपर्क जीरो है। कहा जाता है कि ये जब भी दुनिया के किसी शख्स से मिलते हैं तो हिंसा के साथ ही मिलते हैं और आसमान में नीचे उड़ते हवाई जहाजों का स्वागत ये पत्थर और तीरों से करते हैं। आसमान से अगर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का नजारा लिया जाए तो ये किसी भी सामान्य आइलैंड की तरह एकदम शांत और खूबसूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसा है कि पर्यटक इस द्वीप पर जाने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। शायद वे भी ये बात जानते हैं कि अगर एक बार यहाँ पहुँच गए तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इतना ही नहीं, टूरिस्ट के अलावा मछुआरों के लिए भी ये आइलैंड बेहद खतरनाक है। 2006 में इस आइलैंड पर गलती से पहुंचे मछुआरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। यहाँ रहने वाली जनजाति के लोगों ने कई मछुआरों को मार डाला था। इससे पहले भी ये कई बार हिंसा कर चुके हैं। ये जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ रह रही है। इन लोगों को लॉस्ट ट्राइब भी कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्टों में इसे सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति करार दिया गया है। इस आइलैंड के लोगों की जिंदगी में भारत सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। सेंटिनल आइलैंड कहने को तो भारत का हिस्सा है, लेकिन इस आइलैंड पर आदिवासी आज भी अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीते हैं। यहाँ पर इन्हें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी पसंद नहीं है और यहाँ रहने वाली जनजाति का मानव सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। इस आइलैंड पर एक कैदी जेल से भागने के बाद पहुंच गया था। उसके बाद वहां के लोगों ने उसे पकड़ लिया और मार दिया। इस जनजाति के लोग तीर चलाने में माहिर हैं, इसलिए अपनी सीमा क्षेत्र में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों पर ये पत्थर और आग के गोले बरसाने लगते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ लोगों ने इस जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की और उन तक पहुंचने का प्रयास भी किया, मगर स्थानीय लोगों ने उन्हें मार डाला। किसी को भी उनके रीति रिवाज, भाषा और उनके रहन सहन के बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं है। बात सन 1981 की है, जब एक मुसाफिर ने इस आइलैंड के बारे में बताया। उसने बताया कि वो अपने साथियों और अपनी नाव के साथ भटकते हुए इस आइलैंड के करीब पहुंच गया था। तभी उसने और उसके साथियों ने कुछ लोगों को किनारे पर तीर कमान और भाले लेकर खड़े हुए देखा। जैसे ही वो उनके नजदीक पहुंचे, इस जनजाति के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि हम वहां से बचकर निकलने में सफल रहे। सन 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे। ये द्वीप भी अंडमान द्वीपों की श्रृंखला का ही हिस्सा है। लेकिन सुनामी का इस जनजाति के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। भारत सरकार को उनकी चिंता हो रही थी कि आधुनिकता से दूर इन निवासियों का आखिर क्या हुआ होगा, इसलिए इनकी खोज खबर लेने के लिए तूफान के 3 दिनों के बाद सेना के एक हेलीकॉप्टर ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर उड़ान भरी। लेकिन वहां के मूल निवासियों ने हेलीकॉप्टर को देखते ही उस पर पत्थरों और तीरों की बरसात कर दी।
इस जनजाति ने आज तक किसी बाहरी शख्स को अपनी जमीन पर कदम नहीं रखने दिया है, इसीलिए आज तक उनकी कोई ढंग की फोटो उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए इनसे संबंधित तस्वीर या वीडियो इतनी दूरी से बनाई जाती है कि इनकी क्लियरिटी गायब हो जाती है। इसलिए ये लोग दिखते कैसे हैं, ये बात भी अभी तक कोई नहीं जान पाया है। हवाई तस्वीरों से ये जानकारी मिलती है कि यहाँ के लोग खेती नहीं करते, इसलिए इस पूरे इलाके में घने जंगल हैं। उसमें तरह तरह के जानवर हैं और उनके बीच में ये आदिवासी लोग रहते हैं। ये लोग जानवरों को मारकर अपना पेट भरते हैं, यानी सेंटिनल जनजाति पूरी तरह से शिकार पर निर्भर है। भारत सरकार ने सन 1967 से 1991 के बीच यहाँ के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से उनसे संपर्क साधने के काफी प्रयास किए, लेकिन टापू के मूल निवासियों तक अपना संदेश पहुंचाने में वे विफल रहे। हर बार स्थानीय लोगों ने आक्रामकता दिखाई। फिर 1991 के बाद से भारत की तरफ से ऐसे प्रयास नहीं किए गए। भारत सरकार ने इस इलाके को एक्सक्लूशन जोन घोषित करके यहाँ किसी बाहरी शख्स के प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्तमान में इस जनजाति की जनसंख्या कितनी है, ये अभी तक एक अनसुलझा सवाल ही है। अनुमान के अनुसार इस जनजाति से संबंधित लोगों की संख्या कुछ दर्जन से लेकर 200 तक हो सकती है। इस जनजाति से जुड़े लोगों के जीवन से संबंधित कोई भी चीज नहीं मिल पाई है जिससे इनके विषय में कुछ भी पता चल सके। अक्सर इस जनजाति की लोगों को पाषाण काल की जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि तब से लेकर अब तक इनके भीतर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ पाया है। शायद इसकी वजह इनके भीतर ग्रहणशीलता की कमी और बाहरी दुनिया से दूरी रखने का स्वभाव है। सर्वाइवल इंटरनेशनल नामक संस्था, जो कि विशेषकर आदिवासी जनजातियों के लिए कार्य करती है, उसका कहना है कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली जनजाति इस ग्रह की सबसे कमजोर जनजाति है। इनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग ना के बराबर है और मामूली सी बीमारी की वजह से भी उनकी मौत हो सकती है। संस्था का कहना है कि अन्य लोगों से पूरी तरह से अलग होने की वजह से इन लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है, इसलिए महामारी में इनकी जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि 1980 के आखिरी दौर में लोहा और दूसरी धातुओं की खोज में गए लोगों और इस जनजाति के लोगों के बीच हुई हिंसा में इस जनजाति ने अपने बहुत से लोगों को खो दिया था। हो सकता है कि इसी वजह से इस द्वीप पर रहने वाले लोग इन इंसानों को अपना दुश्मन मान बैठे हैं और उन्हें अपने स्थान पर आने नहीं देना चाहते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही अगर आप नए यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।